अगली जिस कंट्री में मैं जाने वाला था उसको सर्च करा तो पता चला वो दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्री है। अमेरिका की सेना ने डेस्परेशन कैन बिलीव मशीन गन फायर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कंदाहार। तालिबान सरकार को कब्जा जमाए हुए इट्स अफगानिस्तान। सो वेलकम टू अफगानिस्तान दोस्तों। फाइनली भैया वी आर एंटर इन अफगानिस्तान। यस, अफगानिस्तान के अंदर एंट्री हुई है, ऑन अराइवल वीजा मिला है। ये देखो हमारी इमिग्रेशन कैसे हुई है। अभी हम यहाँ से ना सब बाहर निकले और यहाँ से टैक्सी वैक्सी मिलेगा और यहाँ से हमने करेंसी एक्सचेंज करानी है। यहाँ मिले भाईजान योर नेम ब्रदर नेम भाई खुश हो रहे हैं, बस इतना ही सही है। और ये है जापान से, योर नेम अत्सुकी। इसने भी हमारे साथ ही हमें अपना वो करा, वीजा वगैरह लगवाया। तो हम जा रहे हैं बाहर मार्केट की तरफ जहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी कुंदूज के लिए। फिलहाल तो अभी तक सब बढ़िया एक्सपीरियंस है। कुंदूज जाओगे? कितना चार्ज है? तो भाई यहाँ लोग मिले हैं। थैंक यू ब्रो। और ये कुंदूज जाएगा पक्का? यहाँ से 60 किलोमीटर है ना कुंदूज? 40 मांग रहा है, 40 अफगानी एक आदमी के। पक्का नहीं आती उर्दू? नहीं उर्दू नहीं। अच्छा, उर्दू नहीं आती तो भाई पता नहीं, मुझे डाउट हो रहा है। 40 मांग रहा है और इसी पे चलते हैं फिर, सस्ती बढ़िया सवारी। चले इस पे फिर। यू वांट टैक्सी और दिस? दिस ओके, इट्स चीपर 40 ओनली 40 ना 40 पक्का। फाइनली भैया बैठ के टैक्सी में सीधा गाड़ी लेके जा रहे हैं कुंदूज। भाई बीच में ऐसे कुछ कस्बे से हैं ये दुकानें, देखो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए कुंदूज और एक जगह भाई साहब ने रोका है, खाना खाएंगे, रोजा ये खोलेंगे और हम देखते हैं अभी करंसी उनसे एक्सचेंज करानी है। ये कुछ जगह है प्रॉपर्टी में, भाई ने जहाँ रोका ना उसी ऊपर रूम थे, मतलब एवरेज रूम है। और अभी भाईजान एक मिले थे, वो कह रहे थे हमारे साथ हमारे घर चलो। पहले बोल देते शायद चल भी लेते, पर नहीं, अभी एक्चुअली सिम कार्ड लेना है, करेंसी एक्सचेंज करानी है, बहुत सारे छोटे छोटे काम है। तो भैया हम आ गए रेस्टोरेंट में, यहाँ सभी लोग फिलहाल हमें देख रहे हैं, कोई ड्रेस कोड अलग है ना। सलाम। हम भी बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, कुछ भूख लगी है बहुत तेज। यहाँ इस तरह से टेबल लगे होते हैं, इस तरह से मॉल रहता है। अभी हमने मंगाया पुलाव और आपने मंगाया सीख कबाब। अफगानिस्तान का लोकल यार कबाब के साथ खा रहा हूँ और मजा आ गया यार। मतलब इतने दिनों बाद इतना बढ़िया टेस्टी खाना खा के दिल खुश हो गया यार। ये इतनी सॉफ्ट है और ऐसे खाओ। और किस तरह भाई साहब, ये देखो गाड़ी के अंदर भरा हुआ। कितने रुपए किलो रहता है ये? 50 रुपए किलो है भाई, 50 रुपए किलो। सब लोगों ने घेर लिया है, जैसे हम नमूने आए हुए थे ना बाहर से, वो हाल लग रहा है भाई। यार मजा आ गया आप लोगों से मिलके। तुम अंदर जाओ, लोग यहाँ आए हैं। The next day. फिलहाल मैं आपको घुमाने वाला हूँ अफगानिस्तान की लोकल मार्केट। ये देखो यहाँ पे ये बिक रहा है, सब्जी है, 50 रुपए किलो रहता है यहाँ पे ये। देखो इस तरह से बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं, तो इस तरह से इनके खाने पीने की दुकानें रहती हैं। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बस घूमने आया आपका अफगानिस्तान? आपकी मुल्क है, जो करना करो। शुक्रिया। प्याज कैसे है यहाँ पे? प्याज जो है ना 7 किलो जो है 170 रुपए में। 7 किलो 170 रुपए में। और आलू? आलू 180-160। 7 किलो। ये 7 किलो का क्या सिस्टम है? जो 7 किलो ना एक शेर होता है वो 7 किलो। अच्छा, 7 किलो का एक शेर बना रखा है। पर उर्दू कैसे आती है? अब शालकोट कहते हैं। शालकोट कहते हैं, तो पाकिस्तान जो जाते हैं ना तो उनको उर्दू आती है। शुक्रिया मेरे भाई, इतनी भीड़ लगाओगे ना लोग सोचेंगे पता नहीं झगड़ा हो गया यार। और यहाँ आने का हमने जो करेंसी एक्सचेंज कराई है यहाँ के अफगानी करेंसी, जो कि हमें $100 मिले, 7200 इंडियन से स्ट्रांग हो चुकी है ये करेंसी भाई साहब। ब्रदर संतरा कितने का है? 130 रुपए किलो। 2 किलो है, 2 किलो 130 का। ये बन रहे हैं परौंठे, शाम की तैयारी हो रही है। ये देखो हिंदुस्तान वाले। ये सर बोलिए। बस बढ़िया सर, आप सुनाइए आप कैसे हैं? और खरीदते? बस सब बढ़िया सर। अब तारी हमारा साथ करो। शुक्राना सर, शुक्राना। हेलो सर, बहुत नाइस लोग हैं और सभी हंस के बात कर रहे हैं, पर ये की भीड़ लग गई है। कितना टाइम हो गया है? मैं कल आया। आपका देश कौन सा है भाईजान? इंडिया। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आ जाएंगे। आओ, बिल्कुल आओ। सलाम अलैकुम। अब्दुल खालिद। आप उर्दू बोलते हो? पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान से सीखी है? पाकिस्तान में पैदा ही, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी हो आप? नहीं, अफगानी है लेकिन वहाँ पे पैदा। तो वहाँ पैदा हुए हैं। साहब की मेहरबानी, आपके छोटे भाई का भी छोटा सा होटल है। अच्छा, होटल है अपना? रेस्टोरेंट है। किधर? पास में ही है। चलिए ब्रदर, इतना भीड़ लगाओगे लोग सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ। चलिए देखो भाई, जाओ वहाँ, यहाँ ऐसे ही एकदम से भीड़ लग जाती है भाई लोगों के साथ। मतलब अच्छा लगता है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सच बताऊँ। इतनी ज़्यादा खुशी आज तक मुझे किसी और कंट्री में जाकर हुई नहीं जितनी यहाँ आके हो रही है। और ये ब्रेड्स वगैरह शाम की तैयारी हो रही है, ये मोमोज टाइप का कुछ बेच रहे हैं, आटे का कुछ है ऐसा क्या कुछ?
ये गुलगुले बना रहे हैं भाई से, मतलब खाने का भरमार है यहाँ पे, इतना सब कुछ खाने का मिल रहा है ना। इंडिया से सर? इंडिया से। चलो सर, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। सर अस्सलाम वालेकुम, आप भी उर्दू बोल लेते हैं? जी सर। तो अच्छा, क्या बात है, कहाँ से सर? मैं यहीं का। अच्छा, यहीं के लोकल ही हैं। मैं तो बस, मैं इंडिया से सर। अगर आज आप हमारे साथ खाना खाओ तो कैसे रहेगा? आज खाना आप हमारे साथ, हमारे साथ रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। छुट्टी? छुट्टी वो क्या होता है? छुट्टी बोला, कुछ और बोला है? पता नहीं, कुछ बोला तो है भाई ने। ये देखो यार, तंदूर रेडीमेड तंदूर है, इस तरह से साथ साथ बना बना के रेडी कर रहे हैं। अरे तुम भी उर्दू बोलते हो भाई? आधा अफगानिस्तान उर्दू बोलता है। आधा अफगानिस्तान उर्दू बोलता है, क्या बात है। किसको? तुम्हें नहीं, किसको? चीजों को जो खाने हैं यहाँ पे ले जाए अपने साथ। वे कह रहा खाना अपने साथ ले जाओ। खाना मैं कहाँ लेके जाऊँ? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते, अब क्या करते हो? अब काम करते हो? काम करते हो? मेरे बस का होता तो मैं तुम्हें इंडिया ले जाता। वैसे आप लोग कहाँ से आए? इंडिया से आया हूँ। इंडिया से? मैं तो पाकिस्तान से आया हूँ। अरे क्या बात है, अच्छा लगते लगते था मूड बना तो अपसेट सा हो गया, क्योंकि बच्चों को देख के काम करते रहे थोड़ा सा वो हो गया। क्या भाई? बस बढ़िया सर। आप रहने वाला है इंडिया दिल्ली का? आप मेहमान है हमारा। शुक्राना सर, शुक्राना। आप आए इंडिया? नहीं, हम पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान रहते हैं, उर्दू इतना अच्छा बोलते हैं। पाकिस्तान के ठाकुर है? ठाकुर है। बस बढ़िया सर, बढ़िया। हमारे से चले जाएंगे आप भी थोड़ा सर? मैं घूमूंगा। आपके रहने के लिए? नहीं, अभी मैंने यहाँ पे होटल ले रखा है ऑलरेडी। बाकी बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देख लो भाई माहौल यहाँ पे। कहाँ से मेरा भाई? हिंदुस्तान से। मैं इंडिया से। इंडिया से? अच्छा, इंडिया के इलाके से आया हूँ। कश्मीर पाकिस्तान कैसे लगता है? बहुत बढ़िया, अभी ऐसे मेरा दूसरा दिन है पर मजा आ गया मुझे। अच्छा, पाकिस्तान से और इंडिया के साथ हमारा बहुत ताल्लुक है, हमारा बहुत प्यार है। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि हमें वीजा दे, और वीजा देना स्टार्ट करे। अभी अफगानिस्तान जो है हम अमन है, बस सुकून है, जो कोई भी आना चाहता है बस मोस्ट वेलकम आ सकता है। हमारे अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, सिख थे। जो लोग उधर से इंडिया में फिल्म बनाता है ना, वो खान खान जो बोलता है ना, वो सारा पठान होता है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सब असली खान है। ठीक है जी, थैंक यू। काम वाम करते हो? पढ़ते हो? ये देखो काम कर रहे हैं। अभी हम मार्केट में मुलाकात हुई थी और हमारी यहाँ पे दोस्ती भी हो गई है, तो इन्होंने इनवाइट कर लिया। करें मेरे साथ चलें और हम खाते हैं साथ में, रोजा खोलते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम, मैंने आप हमारे जैसे दोस्त इंडिया से आए और हमारे वतन को विजिट करने, हमारे बहुत क्लोज रिलेशन है हमारे इंडियन के। तो कुंदूज रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, यहाँ पे स्पेशल खाना इन्होंने काफी कुछ मंगा दिया, बहुत ज्यादा मंगा दिया, और भी मंगवाए। कबाब भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे, यहाँ के जो फूड है सबको टेस्ट करेंगे। भाई साहब मेहमान नवाजी यहाँ खत्म नहीं हो रही है, अब गन्ने की तो शॉप पे रुक गए, गन्ने का जूस पिलाने लगे यार। भाई जान कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। लोग बहुत ज्यादा अच्छे। ये भी पाकिस्तान में कुछ वक्त गुजारा, उन्होंने पाकिस्तान में, वो पठानी है। आप लाहौर साइड से? यहाँ पे सही चल रहा है अपना काम? हम शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। भाई मेरे हाथ में भाई की गन है, बहुत जबरदस्त है भाई। लोगों ने जो इमेज बना रखी ना, ये यहाँ के लोकल गार्ड से। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी। अरे ये क्यों लिया है? राज भाई, साइकिल बाबा, जैसे कि आप जानते होंगे इनका सफर आपको पता ही होगा अगर आप फॉलो करते हो इनको। तो आपकी कौन सी कंट्री है? 104 104 की कंट्री, और वो भी साइकिल के ऊपर, मतलब हिम्मत वाली बात है। और मैं इनसे पूछा था वापसी कब की इंडिया की, कह रहे मैं अब आऊंगा 2030 में। The next day. तो जी चल दिए, फिलहाल हम निकल के चल रहे हैं यहाँ से। ये कुंदूज एरिया है और अब हम यहाँ से आ रहे हैं काबुल की तरफ, जो कि अराउंड 300 किलोमीटर है। इसका 700 टिकट है, इसका 500 टिकट है। अरे खूबसूरती तो आपके चेहरों में है, हमारे यहाँ कहाँ चेहरों में खूबसूरती है। हम यहाँ पे घूमने आए हैं आपके यहाँ पे इंडिया से। गुड गुड। सो गाइस फाइनली हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है भाई, नज़ारे तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हमारे साथ मसला होने वाला मुझे लग रहा है, जो इस गाड़ी में आए ना, गाड़ी में CNG नहीं है भाई, धक्के मार रहे हैं। चलो भाई चलती गाड़ी में बैठना पड़ रहा है। कौन सा लीक हो गया, पेट्रोल का? आज लगता दिन अच्छा नहीं चढ़ा। और यहाँ गाड़ियाँ भी सारी पुरानी पुरानी चलती हैं। और आते हुए ना अभी क्या हुआ कि जैसे यहाँ हर एक चेक पोस्ट होता है जहाँ पे रुकना होता है, तो भाई ने क्या करा, उस चेक पोस्ट को क्रॉस कर दिया। वो तो तालिबान वाले भाई लोग हैं, उन्होंने पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी को रोका और ड्राइवर को फिर वापसी लेके गए। और सबसे बड़ी चीज क्या कि हमारे साथ जो जैपनीज लड़का है, जो कि लड़की की तरह लग रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भैया वो लड़की है और लड़की ट्रैवल कर रही है हमारे साथ, तो फिर उसको रोक रहा है, चेक कर रहा है, उसके हाथ में नेल पॉलिश है, बाल लंबे हैं, यानी वो थाईलैंड वाला चक्कर है कि आधा लड़का आधा लड़की। सारी कहानी उसकी वजह से खराब हुई, और कल रात को भी इसी वजह से हमारी कहानी खराब हुई थी, पर कोई बात नहीं। और यहाँ के लोग भी ना लद्दाखियों की तरह होते हैं, थोड़ी सी गाड़ी और हमारी खराब रहती ना तो मैं तो यहाँ घूमने निकल जाता ऊपर। जबरदस्त नजारा है यहाँ पे।
फाइनली पहुंचे काबुल रात के 2 बजे। ये रूम मिल गया। The next day. काबुल के अंदर इतना खूबसूरत इतना बड़ा मॉल देख के ना यार कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, मजा आ गया यार, मजा। यकीन नहीं मानेंगे यहाँ पे 1300 शॉप्स हैं, 1300 बड़े बड़े शोरूम्स हैं भाई। यहाँ पे आपको आईफोन्स वगैरह सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा बड़े आराम से। तो ये देखो पूरा ये मोबाइल स्टोर है, मोबाइल की दुकान है सारी की सारी। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ बताऊँ आईफोन वगैरह काफी सस्ता मिलता है। हिंदुस्तान जो हमारा भाई है, आप भी हमारा भाई है, सब कुछ मुश्किल है तो मुझे बताओ इधर हिंदुस्तान अफगानिस्तान बाय बाय। बिल्कुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान बाय बाय, शुक्राना ब्रदर। और देखो यार एक से बढ़कर यहाँ शॉप्स हैं, एक से बढ़कर चीजें मिल जाती हैं। तो भाई साहब ये है यहाँ की सुपर बाइक, कैसे है वो? बंद होगी बेचारे की बाइक। यहाँ की जो करेंसी है ना वो काबुली अफगानी हमारे इंडिया से थोड़ा स्ट्रांग हो चुके हैं। ये देखो भाई साहब ऐसे करेंसी एक्सचेंज करते हैं हर जगह। इस्लाम कैसे है? और आज हम आए इनके रेस्टोरेंट में। थोड़ा थोड़ा आता है उर्दू नहीं आता? मुश्किल नहीं था, शुक्र कि मैं फॉर्म थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। नाम क्या बताया भाई जान ने? कलाम अवल सलाम अलैकुम की भाषा में कहना बदर नाम भाई, नाम इतना लंबा नहीं हो गया ज्यादा? इतना लंबा नाम है गाइड साहब कुछ बोलो। हिंदुस्तान अफगानिस्तान का दोस्त है, दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, इसका मतलब ये है, मतलब इतनी बातों का मतलब ये था। और ये भाई ने ऑर्डर करा, ये क्या भाई? लैम्ब चॉप्स। लैम्ब चॉप और वहाँ पे आई है पुलाव, और इनकी जो रोटी ऑलवेज साथ में रहती है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये ब्रेड नट्स सैलड पता नहीं क्या क्या आया हुआ है यार। जनरल मैनेजर चेयरमैन आप जो मर्जी कह लो, मे भी हो सकता है ऑनर भी हो, मैं कुछ नहीं पता मुझे। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को खाना देते हैं, उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और यहाँ कुछ तालिबान भाई भी हैं। तो भाई लोग देखो क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। सलाम भाई जान, सलाम भाई जान। मज़ा आ गया इस रेस्टोरेंट में सच्ची में, और यहाँ के ऑनर, यहाँ का स्टाफ, शुक्राना। और ये माहौल बहुत मस्त रहता है। हिंदुस्तान से आए और यहाँ के लोगों का प्यार देख के ना, लोग इतना इज्जत देते हैं, इतना इज्जत देते हैं, पूछो मत। शुक्राना ब्रदर, शुक्राना, शुक्राना भाई जान। हाँ ये भाई कह रहा है टिकटॉक पे फॉलो करो। टिकटॉक में फॉलो कर दूंगा, कर लूंगा हमारे टिकटॉक। मैं भाई को बोला हमारे टिकटॉक चलता नहीं है। यूट्यूब फेसबुक, यूट्यूब फेसबुक, ठीक है? ओके हिंदुस्तान माय ब्रो, योर ब्रो, या हेलो ब्रदर, हेलो। फोटो खींच रहे हो अकेले अकेले? अरे अपने आप को तो ले लो मेरे भाई, ये लो देखो यार, फोटो रील चल रही है दबा के यार, सही नाइस। अभी तो मिले थे हम, देखो सभी के सभी फोटो खिंचवाने तैयार है। यस सलाम मेरे भाई, बढ़िया माहौल है यहाँ का, और खाने पीने का भी सही जगह यार, मस्त। ये देखो क्या क्या बन रहा है, कैसे हो भाई जान? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ आइसक्रीम कुछ इस तरह से बनती है भाई, काबुल की आइसक्रीम जरूर ट्राई करना। सॉरी यार बोल रहा हूँ पर आ नहीं पाओगे, पर हम ट्राई करेंगे। आप देखो काबुल में कैसी आइसक्रीम बनती है, ये देखो लगे हुए हैं कॉम्पिटिशन। भाई ठंड में वैसे आइसक्रीम खानी नहीं चाहिए, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा खाता नहीं हूँ सही बताऊँ तो, पर ये कुछ डिफरेंट है। नाइस, सेलफोन दूध होता है ना जो बादाम वाला, वो डला हुआ है, और आइसक्रीम तो आइसक्रीम है, टेस्टी है। यहाँ की ना बहुत खास बात है, यहाँ ना मतलब जब आप गुड बाय करते हो ना, लड़का लड़का हो कोई भी हो, गाल पे पुच्ची करते हैं ऐसे करके, सर लगा के, ऐसा होता है भाई यहाँ पे। The next day. हम पहुंच चुके हैं जलालाबाद, और भाईजान ने हमें उतारा है बिल्कुल मार्केट के अंदर। तो देखो यार कितने प्यारे लोग हैं, और सबको उर्दू आती है, कमाल की बात है। सलाम भाईजान, सलाम भाईजान। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो कपड़े हैं यहाँ के लोग पहनते हैं, ये लोकल कपड़े हैं? ये जो है ना ये इधर तमरीन के लिए लेना है, मतलब शौकिया लेते हैं, जिम कर रहे हैं ना, जिम उसके लिए। जिम का बहुत शौक है लोगों का भाई साहब। चलो जी बढ़िया यार, बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, बढ़िया है, शुक्राना। इंडिया वाले थे ना हमारा, अपना क्या नाम है उसको बोलते है लरो बर, जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब गए तुम इंडिया पे विराट कोहली पे मेरा सलाम बोलो, जिंदाबाद इंडिया, जिंदाबाद। तो भैया ये पूरी मार्केट है, कहा जाता है कि एक टाइम पहले यहाँ पे जब बहुत अच्छी बड़ी कम्युनिटी थी, नहीं वो नहीं होगी, वो चले गए, चले गए। तो पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा सिख रहते थे, अभी नहीं है। ये पूरी जो लाइन बता रहे ना, सारी इंडिया जो है सिखों का था सारा।
इंडिया इंडिया कैसे है? बस बढ़िया जी, कैसे हैं आप? पाकिस्तान से आया या इंडिया से आया? मैं कहाँ से बताऊँ आप कहाँ? नजर में तो इंडिया वाला है। हमारी नजर तो बहुत ही पार की है भैया। ये पंजाबी है। गुलचरण 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 उधर है, उधर है पिस्की। पता नहीं भाई, वीजा नहीं मिलता। ये दुख वाली बात सबके साथ है, सभी ये कहते हैं वीजा नहीं मिलता है। भाई वीजा दो इनको, घूमने आए हैं। मैं भी कभी नहीं आया हूँ, अफगानिस्तान से सीखा हूँ मैं आपका। ये फिल्में देख देख के बहुत देखता हूँ भाई, फिल्में देख देख के हिंदी सीखे हैं। बहुत ट्रेन हूँ मैं हिंदुस्तान। क्या बात है, कौन सा फेवरेट हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, सभी हीरो सभी फेवरेट है और सभी का फ्रेंड हूँ। गुरुद्वारा देखने आए थी, बाबू लाला गुरुद्वारा आप देख ले। गुरुद्वारा मुझे बंद है जी। सत श्री अकाल जी। तो भाई मुझे नहीं मालूम था, पास में ना गुरुद्वारे के पास ये दुकान थी और वो दुकान सरदार जी की थी और वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। पहले तो मान नहीं रहते पर थोड़ी सी पंजाबी आती तो मैं कहा मनवा ही लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया है। और वो कहते भैया तीन बार इंडिया गया हूँ पर मेरा मन नहीं माना, मैं कह रहा हूँ जहाँ पर पैदा हुआ ना मैं वहीं पर ही मरूँगा। तो वो कह रहे मैं इसलिए यहाँ आ गया, मैं इसलिए यहीं बैठा हूँ। तो उनकी दुकान थी। तो इंडिया वालों कुछ कहना है आप लोगों ने? इंडिया वालों बस एक ही है, ये कह रहे हैं मेरी यहाँ एक ही है, मेरे को शादी करनी हिंदुस्तान ले चलो। भाई किस किस को हिंदुस्तान जाना है? यहाँ तो तुम्हें खर्चा करना पड़ता है, हिंदुस्तान में लड़की वाले खर्चा कर रहे हैं। लड़की वाले पूरा शादी का खर्चा उठाएंगे और आपकी मौज। भाई यहाँ ये सिस्टम नहीं है, यहाँ खर्चा उल्टा लड़का वाला। हम यहाँ पे खवारा मरने वाले। कौन सा डायलॉग सुनाया तुमने? ये मजदूर का हाथ एक कात्या लोहा पिघला कर आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने की रोटी की कमाई की है, मुझे किसी टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तुम्हारा कुत्ता बन के रहूं, तू चाहता है मैं बोकूं, तू चाहता है मैं काटूं। क्या बात है, भाई की उम्र हो गई और भाई ने मैंने पूछा शादी क्यों नहीं करी तो भाई बता रहा है कि भाई जिससे वे पसंद करते थे उसकी शादी कहीं और हो गई। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे एक रूल है कि भाई जहाँ पे लड़का लड़की साथ पकड़े जाएं तो उनकी शादी करा दी जाती है, तुम क्यों नहीं पकड़े गए? अरे मुझे इतना लंबी हुई नहीं ना, उस टाइम पे शादी का मूड नहीं था। हाँ, और उस टाइम में तालिबान भी नहीं आए थे। तुम्हारी लड़की हाथ से निकल गई है और अब ये देवदास बन गया। देवदास बन गया भाई। ये लड़का कह रहा है हिंदुस्तान ले जा सकते हो, क्यों यहाँ पे अच्छा नहीं है? हिंदुस्तान जाना है। पासपोर्ट बना हुआ है? भाई बहुत ही खूबसूरत है जलालाबाद, सामने देखो बर्फ के पहाड़ नहीं मतलब पहाड़ है, बर्फ के पहाड़ उसके पीछे है यार, मजेदार जगह है। क्या बात है भाई, को पता कश्मीर जैसी जगह है वो, देखो क्या ही जबरदस्त है यार। भाई कह रहे हैं कि भैया एक टाइम पहले यहाँ हिंदुओं का एरिया था, ये हिंदू यहाँ रहते थे, ये पूरा एरिया हिंदुओं का था, बनकर एरिया ये। भाई देखो क्या ही खूबसूरत जगह है, बांडा पिंड है पूरा पंजाब का, जैसा पिंड होता था ना हमारा, बिल्कुल वैसा ही ये पिंड नजर आ रहा है। यहाँ पे हिंदुओं की जगह, जहाँ पे हिंदू रहते थे, हिंदू बाजार, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती थी। और अभी हम यहाँ के लोकल गांव से होते जा रहे हैं पुराने टाउन से। भाई साहब क्या ही खूबसूरत नजारा है यार, ये देखो क्या ही जबरदस्त व्यू है यार। ये मुझे वो फिल्म थी ना अमिताभ बच्चन की, वो जो आते हैं घोड़ों पे तगड़ो 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 करते हुए, वो वाला सीन नजर आ रहा है, वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं, क्या ही जबरदस्त सीन है यार। तालिबान आने के बाद ये इसने फौज छोड़वा दी है, बाकी ये कि अभी ऑटो चलाते हैं। अलग से पानी का बहाव खेतों के लिए निकाला है। और ये जो जगह है कामा, ये आपका जलालाबाद से अराउंड 15 किलोमीटर बाहर होगा। हिंदुस्तान का हो भाई साहब, देख लो जी हिंदुस्तान नाम से कितना प्यार मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितना प्यार मुझे किसी कंट्री में नहीं। पहले लोकल बंदे ने हमें प्रूफ मांगा हमसे सर, इसलिए मांगा कि हम इंडियन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सच कहूँ पाकिस्तानी से नहीं करते, पता नहीं है मुझे क्या वजह है, ये तो मैं नहीं जानना चाहूंगा। कैसे भाईजान? और ये शाम की तैयारी हो रही है। आज जुम्मे आप यहाँ इकट्ठे होते हो? जुम्मे के जुम्मे यहाँ पे इस तरह से देख रहे, पीछे भी ना गार्डन के अंदर ऐसे कारपेट बिछाया है, खाने पीने का मेरे ख्याल से सामान लेके आते हैं, यहाँ बनवाते हैं और यहाँ पार्टी चलती है शाम तक। और हमें मौका मिला आज भाई लोगों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंग्लैंड कभी आना होगा तो आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत अच्छा लगा सच्ची में, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुक्राना भाईजान, शुक्राना। हम जा रहे हैं वापसी काबुल और टैक्सी हमें मिल गई है। The next day. चाचा आपकी उम्र कितनी है? एक कम पचास है। एक कम साठ। तो ये है पाकिस्तान में 25 साल रह के आए, और कब आए हो अफगानिस्तान? आप पाकिस्तान है? नहीं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वाले दोस्त है, अफगानिस्तान के दोस्त है। तो पाकिस्तान आपने क्यों छोड़ा? पाकिस्तान छोड़ पाकिस्तान सही नहीं है,
25 साल रहने के बाद छोड़ दिया। वो जब माजर वो माजर उन्होंने 25 साल बाद लोगों को निकाल दिया। अच्छा नहीं किया तुमने, हमारे पैसे दे दिए। शुक्राना ब्रदर, शुक्राना। कई लोग तो हमें ऑफर तो करते करते अभी हम गाड़ी से उतरे, भाई ने हमारे पहले हमसे पहले पैसे दे दिए। तो देखो इस तरह की छोटी वैन भी चलती है, बहुत ही प्यारी जगह और सच्ची में बहुत मजा भी आ रहा है। और यकीन मानोगे अभी मेरे पीछे एक पुलिस वाला था, यहाँ पे आ रहा था, मैं शूट कर रहा था ना, फिर आगे पूछता कहाँ से, मैं कहा हिंदुस्तान, वापस चले गया। और वो भाई ने बताया अगर आप बोलते पाकिस्तान से तो आपके हालत खराब कर देता, यानी पाकिस्तान वालों से इतनी खुंदक खाए हुए हैं। या भाई लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। यहाँ पे मॉल नाला है, क्या है ये? पानी है, पानी तो है, नाले का पानी है या नदी बह रही है? नदी बह रहा है। नदी का हाल बहुत खराब कर रखा है, खराब हरे है। हाँ, उर्दू समझता है। क्या नाम है? क्या नाम है? पता नहीं क्या बोले पर सब सही है यार, लोग बढ़िया अच्छे हैं यार यहाँ पे। मैं जितने से मिल रहा लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। मॉस्क है ना, ये सबसे पुरानी और सबसे पहली मॉस्क है काबुल की। आप उर्दू बोल लेते हो? फिल्में देख के बोलते हो या पाकिस्तान से आए हो? 5 साल इंडिया पे मैंने पढ़ाई किया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो भाईजान जो दिल्ली वाले है ना, बड़े छुपे रुस्तम निकले। यहाँ पे भाईजान की दो दो शादी हो रखी है, तीसरी की तैयारी है, यहाँ से एक नहीं संभलती। वो तो इंडिया पे अलाउड नहीं है ना, एक को तलाक दे करके दूसरा शादी कर सकते हो। तो यहाँ पे अलाउड है, चार अलाउड है। भाई कह रहा मैं तीसरी की तैयारी में हूँ, और मतलब कह रहा है मेरे फादर की भी दो शादियां थी, दादा की भी दो शादियां थी, मतलब फैमिली में ये चल रहा है। और मेरे से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि चीजें मैनेज कैसे होती है। तो भाई कह रहा है भैया बच्चे अलग सोते हैं, अलग सोते हैं जी जी, और आप फिर क्या करते हो? एक 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 रात एक कमरे पे, एक और दूसरा रात दूसरा कमरे पे। पर एक चीज बताओ, फिर इंसान थकता नहीं है? ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो तभी ये चीज है यार। चार बच्चे, चार आठ बच्चे, चार चार है अभी प्लानिंग चल रही है, और अभी तीसरे का प्लानिंग चल रही है। पेमेंट थोड़ा सा कम है, और भाई बहुत ही प्यारे हैं। A few moments later. ये भाई साहब सुबह से तुम्बा बिरयानी, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ की फेमस जगह पे, जिस शॉप पे आया हूँ। ये यहाँ के ऑनर है, 22 साल हो गए आपको यहाँ पे। और इस तरह से पूरा इन्होंने फ्राई करके स्पेशली जबरदस्त बना के, और साथ में सैलेड। एक्चुअली इसको जो बनाया जाता है ना कढ़ाई के अंदर, एज इट इज कढ़ाई को लाकर रख दिया जाता है, और बहुत ही बढ़िया मसालों से बना हुआ है। और मैंने तो पहली बार खाया सर, तो मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में। साथ में रायता सर्व कर रहे हैं, और साथ में जो रोटी का साइज है ये देखो। आपसे मिलकर बहुत खुश हुए कि आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए। ये आप पूरी दुकान का कैमरा घुमाओ, और ये कहते ऐसे गरीब खाना सबको दे दे। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं सच्ची में, जो प्यार हमें मिल रहा है ना सर जी। तो फिर आप खा लीजिए, आम तो रोजा अफ्तार किया है सर। आप ये अपने घर की मिठाई नहीं खाते ना, वो हलवाई कोई कहानी है, करे हम तो रोज खाते हैं वाले को। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी खातिरदारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर यहाँ पे एक से बढ़कर एक चीज खाने को मिलती है ना, मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया, आपका काबुल का खाना भी बहुत जबरदस्त है, और लोग तो है ही बहुत जबरदस्त। हेलो ब्रदर, कैसे हो? हिंदुस्तान? अरे पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान भाई, हिंदुस्तान। पाकिस्तान के नाम से सीरियस हो जाते हैं, हिंदुस्तान के नाम से प्यार आ जाता है। सही है यार, जिंदाबाद अफगानिस्तान, हिंदुस्तान। भाई यहाँ देखो एक से बढ़कर एक बड़े बड़े मॉल है यार। तो भाई जी अभी जाते जाते ना एकदम से कहते हैं पाकिस्तानी, नहीं भाई हिंदुस्तान। भाई भाई हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, भाई 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 भाई। शुक्राना ब्रदर, शुक्राना, शुक्राना भी हो गया पे फुल अभी। भाई यहाँ का हम प्यार नमाजी है ना बहुत ज्यादा। शुक्राना। इस मॉल के अंदर आगे हम फोर्थ फ्लोर पे, ऊपर पूरा फूड एरिया है, बहुत जबरदस्त। क्या बात है, जहांगीर नाम है भाई जान का, और बड़ा स्टाइल रखा हुआ है, स्टाइल पूरा क्लिप क्लिप लगा रखा है, फुल मॉडर्न है। और यहाँ पे मैंने बहुत रेयर लोगों को ना ये ड्रेस कोड में देखा, जैसे भाई ये सूटेड बूटेड हो रखे हैं, और ये देखो मैं जर्मनी से हमेशा इधर आता हूं। ओके, आप जर्मनी से जाते हैं? एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट इधर आता हूं, उसके बाद जर्मनी। क्या बात, इससे अच्छा रेस्टोरेंट अफगानिस्तान में नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। ये भाई जान को परेशान किया जा रहा है, वो देखो उर्दू बोलते हैं जी भाई? पाकिस्तान से? इंडिया से। oh. इंडिया से तो हम है। अच्छा, आप इंडिया से हो? झूठ बोल रहे हो। नहीं, इंडिया से मैंने 10 साल हुआ अभी। अच्छा, 10 साल वहाँ थे, क्या बात है। क्या नाम है आपका? फजल अहमद। फजल अहमद, दिल्ली में कहाँ थे, मतलब इंडिया में कहाँ थे? दिल्ली में रहते। दिल्ली में रहते थे भाई, दिल्ली वाले मिल गए, मैं भी दिल्ली वाला। दिल्ली में लाजपत नगर। लाजपत नगर में, क्या बात है। यहाँ जनरली लोग ना पठानी पहनते हैं, ये देखो मॉडर्न लड़के हैं यहाँ पे। कैसे हो भाई जान? कैसे हो मेरे भाई? यहाँ से आपको देख के कौन कहेगा आप काबुल के हो? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा, क्या नाम है आपका? डर गया मर गया। कौन डर गया और कौन मर गया? ये है काबुल मेरी जान,
भाई साहब जबरदस्त मजा आ गया। ये कुछ सरप्राइजिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। मुझे तो आइडिया नहीं था, भाई ने बताया तो पता चला यहाँ का इनका न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा खासा पैसा लगा हुआ यार, सच बता रहा हूँ, मजेदार है यार। तो हमें यहाँ पे स्वीट स्वीट वो मिली है गुड़िया, और ये हाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहाल। जहाल, ओके। पढ़ते हो? फारसी। फारसी पढ़ते हैं? तो आप यहाँ पे कैसे, मतलब या कैसे जाओ, कैसे मतलब घूमने आए हैं? घूमने आए हैं। फारसी नहीं आता? शुक्रिया, थैंक यू। पाजी ने पहचान लिया? क्यों नहीं पाजी, हम अकेले पहचानते हैं। हम दुबई में रहते हो पाजी? दुबई में रहते हो? हाँ। क्या वहाँ काम करते हो? हाँ उधर काम करते, वहाँ काम करते। और सच बताऊँ तो अफगानिस्तान को जिस नज़र से देखा जाता है ना, वो नज़रें बिल्कुल गलत है। हम आपको असली अफगानिस्तान घुमा रहे हैं। इवन मैं कहूँगा तालिबान वाले भी जब हमसे मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, पूछो मत। जाओगे पर संजू भाई से हमारे सलाम करना। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। संजू भाई को डायरेक्टली सलाम बोल दो ना। सलाम, सलाम संजू भाई। क्या बात है, अफगानिस्तान की टीम से बहुत प्यार करते हुए, वो हमसे बहुत, वो भी हम लोगों से बहुत प्यार करते हुए। वो सिद्धू मूसे वाला है, ये सिद्धू मूसे वाला का भाई पता है। पठान भी अच्छा आदमी है, शेखर धवन से बहुत अच्छा आदमी है। क्या बात है, क्या बात। कैसे भाई जाना, आपने मुंह को छुपाया हुआ है? हम आएंगे सारी हिंदुस्तान हमारी भाई है। क्या बात है, और ये चाहते कास्ता। क्या बात है, आई लव यू हिंदुस्तान। अरे भाई हमारी प्यार हमारी दोस्त। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। अरे मेरे भाई, मैं सारा हिंदुस्तान को प्यार करता है। हम हिंदुस्तान वालों को चाहते हैं, आमिर खान को, शाहरुख खान को, सलमान खान को। राम प्रकाश डिजिटल कंपनी, ये यहाँ पे एक इंडियन बंदे की दुकान है, इसका नाम है रमेश मार्केट। भाई यहाँ पे एक हिंदू की मार्केट भी है, रमेश मार्केट यार। और दुश्मन तो तमन्ना प्रिय, फाड़ दिया बीच में से। हिंदुस्तान लोग, पाकिस्तान लोगों को, तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहना? ठीक ठीक ठीक, अब से दर्दमा दशी लगता था, अभी वो कहते से घर कोने परेशान कर ले। भाई आधी बात समझ आई, आधी नहीं समझ आई। उर्दू बोल रहे हो, पाकिस्तान रह के आए हो या फिल्में देख के सीखे हो? रह के आए हो पाकिस्तान, सही है यार, सही है। मैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से। और सब बढ़िया है? एकदम बढ़िया। चलो शुक्रिया भैया। हमारे यहाँ के समोसे जो होते हैं ना, वो टाइट टाइट होते हैं। यहाँ के समोसे ना, ये देखो पापड़ी की तरह होता है। कितने का रहता है ये समोसा? हिंदुस्तान से है ना, समोसा है ना ये भी? समोसा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से। ₹5 का समोसा, सिर्फ ₹5 का समोसा है। हमारा मेहमान, आपके मेहमान ही है, हम काबुल पहुँच गए तो आपके मेहमान है। आप लोगों ने इतना बोल दिया, इतना ही बहुत है यार। गुड, सही लग रहा है। तुम पाकिस्तानी लगता है। सलाम भाईजान, सलाम भाईजान। तुम अफ्रीकन लगता है। तो भाई एक और पहना है मैंने, एक ये वाला पहना है डिजाइन, और एक वो वाला पहना था। दोनों सा कलर अच्छा लग रहा है, मुझे बताओ। ये देखो भाईजान क्या कर रहे हैं। अरे वाह जबरदस्त। तो भाई कह रहा मेरी वीडियो ले लो, भाई की वीडियो ले ली, और ये इसका बदमाश है दिल्ली में। ये भाई कह रहा मेरे बदमाश है दिल्ली में, बता दे रहा कहाँ मिल रहा है। ऐसा बोला, मजाक कर रहा है। मैं भी मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आपको जैसे बताया, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, ये स्पेशली वहाँ से आ गए, हमसे पूछ रहे कहाँ से हो। मैं कहा हिंदुस्तान से। करे हमारे साथ तैयारी करो, यानी रोजा हमारे साथ खोलो, तो हमारी बस ऑन टाइम चलनी है, वरना डेफिनेटली इनके साथ जाते हैं। भाई ये छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, ये सबकी मंगनियां हो रखी है भाई साहब। मैं देख के हैरान हो गया, और यहाँ बता रहे हैं भाई कि 15 साल से 16 साल नहीं होने देते, मंगनी कर देते हैं। शादी कब हो जाती है? 20 साल से ऊपर नहीं जाएगा इसे, और फिर उसके बाद फिर अपनी फौज लगा देते हैं, क्रिकेट टीम बनानी शुरू कर देते हैं। भाई के भी एक ही शादी हुई है, दो ही बच्चे हैं। कह रहे मैंने शुरुआत करी है, पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। बिल्कुल बनानी है, बनानी है। एक कारपेट है भाई, अलाउ नहीं है शूज पहन के इस पे आना, जबरदस्त। और लोग यहाँ सोते भी है, डस्टबिन रखा हर सीट के पास, फुली एसी बस है, पुशबैक सीट्स हैं। मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी यार। तो भाई का नाम है अशरफ अली, ये वही अशरफ अली है जो पाकिस्तान में रहता था, गदर मूवी में था, हैं वही ना। अफगानिस्तान में हम सरप्राइज हो गए, हमारे साथ इंडियन लेडी है जिनका नाम राधिका है। आप तो पाकिस्तानी है? नहीं नहीं, हिंदुस्तानी भाई, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान के नाम से भाई गले लगा रहे हैं। पाकिस्तान सोच रहा था, मुझे कह रहे मैं पाकिस्तान का नहीं। देखो यार कितना ही प्यारा सा पुराना स्ट्रक्चर है, ये छज्जा पूरा बना हुआ लकड़ी के ऊपर, और देखो गलियां कितनी प्यारी हैं। इस्लाम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हिंदी 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 हिंदी, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। जो भी हो मेरी किसी प्रेम कहानी का, पर क्या होगा तेरी मास जवानी का, आशिकों में तेरे दिल में रहता हूँ, अपनी नहीं मैं तेरे दिल के कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये मिल्क फ्रूट है, शक्ल काली कलूटी है, और ये मिल्क फ्रूट है, बताओ। गाइस ये है आपकी अफगानिस्तान की स्पेशल बाइक।
उर्दू बोलते थे भाईजान, कहते इंडिया से। मैं कहा जी हाँ जी इंडिया से, कह रहे आओ मेरे साथ आ जाओ। और यहाँ भाईजान कह रहे ये मेरे सारे हमसाए हैं, हमसाए यानी इनके पड़ोसी हैं भाई लोग। कैसे भाईजान? हिंदुस्तान से। भाईजान ने अपने यहाँ इनवाइट कर दिया है तैयारी साथ में खोलने के लिए, तो भाईजान ने पूरी खातिरदारी की तैयारी कर ली है। तो भाईजान ने इतनी खिदमत कर दी है, अब जाने का टाइम हो गया है। भाईजान कह रहे हैं हमारे साथ रात गुजारो, मतलब रात रुक जाओ, पूरे सुबह तक हम लोग बैठेंगे, गपशप लगाएंगे आपको एयरपोर्ट को छाने। अरे क्या बात है, हमारे प्यार है आप लोगों से, तो खुदावन ने ये रिश्ता दिल के साथ जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़ेंगे छोड़ेंगे हम मगर इंडिया के साथ ना जुड़ेंगे। क्या बात भाईजान के लिए मैं दोबारा से बोलूंगा शुक्रिया। मतलब ऐसा ऐसा प्यार यार, सच्ची बताऊं हमारा रिलेशन बन गया। भाईजान इतने अच्छे हैं, गाड़ी पे गए साथ में, हम होटल से सामान लाके उन्होंने गाड़ी में रखा, कर मैं एयरपोर्ट पे छोड़ के आऊंगा। बताओ इससे ज्यादा प्यार और कहां मिलेगा? बताओ इतना प्यार यहाँ मिल गया ना हमें, उतना ही बहुत है। और ये चीज के लिए मैं क्या ही बोलूं, आपने तो हमें हमारा अफगानिस्तान का एक तोहफा है। और आपको दिखा रहे काबुल का एयरपोर्ट, मेरे ख्याल से किसी ने दिखाया नहीं है। आई लव अफगानिस्तान। यस, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने और हमें अफगानिस्तान से बहुत प्यार मिला। वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय।